अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो पहली बात तो ये, आई एम सॉरी कि मेरे व्लॉग जो हैं वो डेली बेसिस पे नहीं आते हैं, बट मेरी जितनी भी ऑडियंस है जो कि अभी मेरे साथ कनेक्टेड है इतना इनएक्टिव होने के बाद भी, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैं इतने व्लॉग्स नहीं डालती हूँ, बट अभी दो तीन डालने, आई थिंक दो व्लॉग्स आए अभी तक मेरे, दो या तीन आए। सो दिस इज़ माई फोर्थ आफ्टर बींग एक्टिव, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अब मैं जो है इनएक्टिव ना हूँ। सही है, क्योंकि मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं अपनी YouTube की जो जर्नी है उसको मैं कंटिन्यू ही रखूँ, मैं ना हटूँ पीछे कंटिन्यूस, मतलब ना हटूँ पीछे अब YouTube से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अब YouTube कभी कभार व्लॉग्स बन गए। सो बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जब मेरी ऑडियंस इंटरेस्टेड रहती है व्लॉग्स में। सो येस, और दूसरी बात ये, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करें कि इतना मेरे पास कंटेंट नहीं होता, इंशाल्लाह आएगा, धीरे धीरे आएगा, बिकॉज नाउ आई एम ट्राइंग कि अब मैं थोड़ी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाऊँ। सो येस इंशाल्लाह, तो येस जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाऊँगी सो फिर खुद ही कंटेंट आता ही रहेगा। ऑब्वियसली बात है, एक रूम में होंगी सारा टाइम तो कहाँ से कंटेंट लाऊं, दिमाग में नहीं चलेगा इतना। सो येस आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ऑल्सो अभी आज का जो व्लॉग है उसके तरफ चलते हैं, ठीक है? तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले तो आप लोग सोचोगे कि आज मैं क्या करूंगी, ठीक है? लेकिन जो लोग मेरी लाइव अभी देख रहे होगे, अभी नहीं मतलब अब तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन पहले जो लोग देख रहे होगे उन लोगों को ऐसा लगा जैसे यहाँ पे कोई है, बट ये मैंने अपना ही जो एक होता है ना नहाने के बाद पहन देती हूँ तो उसको लाइक बाथरूम जो होती है मैंने उधर टांग दी थी अपनी, तो मैं सोचूँ क्या है यार। सो खैर, जो अभी मेरी टिकटॉक पे लाइव देख रहे होंगे उनको तो मालूम होगा मैं अभी क्या करने जा रही हूँ, बट जिन लोगों को नहीं मालूम अभी मैं बता देती हूँ। सो मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा क्रेविंग, ठीक है? और मॉम थकी भी बहुत है तो मैं उन्हें नहीं बोलूंगी कि खाना वाना बनाओ, और मैं ऑनेस्टली मॉम को तंग भी नहीं करती हूँ। कभी मुझे भूख लगती है, रात को भूख लगती है, मैं ऑर्डर कर लेती हूँ या मैं खुद ही बना लेती हूँ, मैं मॉम को तंग नहीं करती। बस घर में खाना बन गया नहीं बन गया नो प्रॉब्लम, मैं खुद ही कर लेती हूँ मैनेज। सो आज भी मुझे भूख लग रही है एंड अब मैं खुद ही मैनेज करूंगी, और कैसे करूंगी कि मेरी एक मैगी की रेसिपी है नूडल्स की, वो आप सबसे शेयर करूंगी, ठीक है? सो आज आप लोग मेरे साथ चलो और देखो कि इस माँ के स्टाइल में नूडल्स कैसे बनती हैं, ठीक है? और ये वाली रेसिपी सब ट्राई करना बिकॉज इट्स वेरी यमी, लाइक मुझे पर्सनल मेरी फेवरेट है, ठीक है? एंड बहुत ईजी भी है, लाइक इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके सो अभी हम लोग चलते हैं, मैं नहीं कर सकती मुझे चोट लगी हुई है, चलते हैं किचन में। ओके गाइस, ऑल्सो हमारा जो रूम है, मतलब सॉरी जो नीचे वाला एक पोर्शन था वो सेट हो चुका है, तो अभी मैं आप लोगों को लाइट्स खोल के दिखाती हूँ कि वो भी कैसा लग रहा है। जो मेरा मैंने रूम मतलब सॉरी हाउस टूर या न्यू हाउस करके वो जो व्लॉग बनाया था तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को सिर्फ शिफ्टिंग के बाद की हालत दिखाई थी, बट आज जो है वो थोड़ा सा काम हुआ है तो ये भी आप लोगों को मैं सोच रही हूँ कि दिखाई दूँ। बिस्मिल्लाह है एक तो खोलते साथ ही, चलिए जी मैं आप लोगों को बिस्मिल्लाह, तो ये पैरों में बिल्लियाँ आती है ना, बिस्मिल्लाह यार दिखाती हूँ मैं आप लोग को, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है सुबह के टाइम पे, लाइक बहुत ज़्यादा धूप, हालांकि एसी तो है ही लेकिन उसके बाद भी बहुत तपिश आती है, तो पर्दा लगवाया है और मॉम डैड ने सेव करवाया है, मैंने अपनी पसंद से नहीं करवाया कुछ, क्योंकि मैं बोलती तो मैं उनको कुछ माइंड कर लेते, तो इस वजह से मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ अपने रूम से काम काम रखा है, ठीक है? तो ये मॉम डैड ने लगवाया है, अपनी ही पसंद से लगवाया है, और इसके अलावा एक्चुअली कोई चॉइस भी नहीं थी तो इसको ऐसे ही सही करवाया, और आई थिंक इट्स वेरी गुड, यानी सही है, ठीक है? और उसके बाद अभी चीज़ें जो है अभी भी फैली हुई ही हैं, मतलब आप लोग देख सकते हो अभी भी फैली हुई हैं काफ़ी हद तक, तो यस बस ये मुझे दिखाना था कि ये थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है, बाकी धीरे धीरे ही होगी प्रोग्रेस। और हमारी बिल्लियाँ जो हैं वो भी आ चुकी है, ये रहा मेरा सिम्बा, हमारी जो सारी बिल्लियाँ थी उनमें से मैंने बताती हूँ अभी, ये देखो ये पहले ये इनसे मिलो, ये मेरा सिम्बा है और ये मेरा स्मोकू है, स्मोकू स्मोकू बेबी देने वाली है, और ये तो मम्मा वाली बिल्ली है जैनी जैनी, और ये हमारा जैम है, जैम साहब किधर हो, जैम जैम कहाँ गया, जैम जैम अभी चिल्ला रहा था, जैम उधर है क्या, किधर गया जैम, किधर है यार, यार जैम सामान में भी नहीं है, इसको देखो इसको गाइस, आई डोंट नो जैम कहाँ है यार, रुको ऊपर देख कर आती हूँ, गाइस ऊपर हुआ क्या पता जैम ही, रुको इसको देखो कितना खुश है ये, नहीं घर में ना मेरा सिम्बा बहुत खुश है। ओ वो रहा जैम, मोटे साले यहाँ बैठा है, बूढ़ा बूढ़ा टुनटुन, नीचे नीचे सीढ़ियाँ नहीं चल सकता, ऊपर बैठा है, अभी तक ये वाला एरिया जो है ये साफ नहीं हुआ है, इधर इतनी प्रोग्रेस प्रोग्रेस नहीं है क्योंकि अभी नीचे वाली जगह पे वो अम्मी अबू सो रहे हैं, चलो यहाँ से ऐसे में नीचे, तो यहाँ पे इतनी प्रोग्रेस नहीं है, यहाँ पे कल होगी, और ये यहाँ पे अम्मी अबू के साथ बैठा है, उनकी रखवाली करना है, चलो नीचे चलो, देखो सिम्बा ऊपर ही रह गया।
और एक और बात मुझे बतानी थी आप लोगों को, मतलब आप लोग सोचोगे कि ये वाला घर जो है ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, हालांकि ये तो इतना बड़ा है, इसके अंदर तो फौरन सब कुछ हो जाना चाहिए था, बट बात ऐसी नहीं है। हमारा वो वाला घर भी जो था वो भी बड़ा, मतलब इतना बड़ा नहीं था लेकिन वो भी बड़ा था एक्चुअली, उसके अंदर भी बहुत सामान था। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो है मजलिस इतनी प्रॉपर नहीं है। वो वाला रूम को तो छोड़ के, मतलब रूम को छोड़ दो ठीक है, सो रूम को हटा के भी एक जो ओपन एरिया वो नहीं है ठीक है। सो है, यानी ऐसी बात नहीं है, नहीं है, है, बट हमारी जो मजलिस है वो बहुत बड़ी थी, तो उसको नीचे और ऊपर दोनों जगह पर मतलब वो किया है, समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो इस वजह से शिफ्टिंग विफ्टिंग में दिन लग गए, और आप लोगों को मालूम ही है कि तो लगते हैं यार। चलो अब हम किचन में चलते हैं सीधा, नो बकवास, इतनी तो कर दी मैंने। हाँ यो, गर्मी हो रही है यार, किचन दिखा देती हूँ, अगर आप बोले किचन नहीं दिखा, बट किचन भी अभी तक हो ही रहा है सेट। यानी ये हमारा किचन है, अभी हमारा वही वाला बड़ा वाला फ्रिज, उसका भी यहाँ पे सारा सामान फैला पड़ा है, होगा धीरे धीरे, सेज एवरीथिंग, यानी जो चीज़ें नहीं हुई हैं वो हो जाएंगी। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में हो उनको मालूम होगा कि मेरे हाथ में क्या हुआ है, नहीं मालूम तो उधर जाके देख लेना, इधर तो मैं नहीं दिखाने वाली। सो अभी लेट्स गो, पहले देखते हैं मैगी है कि नहीं है, अब अल्लाह करे हो, अगर नहीं हुई तो मैं गई काम से। लो एक ही यार, मैगी नहीं है, फिर ऑर्डर करनी पड़ेगी यार मुझे। ओके लेट्स क्लोज क्लोज क्लोज, मैं भी यहाँ पर होगी ना। हाँ ये रही वो है, यस ये रही एक है। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास एटलीस्ट मैगी के दो पैकेट होने चाहिए, लेकिन मेरे पास दो नहीं है, मेरे पास एक है। ये रहा, मैं ये वाली मैगी यूज़ करती हूँ और मैं बचपन से यही वाली खाती हूँ ठीक है। इसका नाम है फ्राइड इंडोमी, फ्राइड इंडोमीना, हाँ नहीं सॉरी फ्राइड नूडल्स, बट इंडोमी नाम है ठीक है, मैं तो इंडोमी बोलती हूँ मैं, बट आई थिंक इसका नाम इंडोमाइन है। आई डोंट नो हाउ डू यू गाइस प्रोनाउंस इट, बट आई प्रोनाउंस इट एज इंडोमी। तो यहाँ बचपन से ऐसी बोलती हूँ, आई डोंट नो व्हाट्स द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सो प्लीज़ इग्नोर कीजिए उसको। अरे मेरे पास सिर्फ एक ही पैकेट है और एक पैकेट से हम काम चलेंगे, बट जो लोग देख रहे हैं वो एटलीस्ट यार दो के साथ, बट अगर आप लोगों की एपेटाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, सो आई थिंक वन इज़ मोर देन इनफ। यानी ओके सो पहले क्या करना है आप लोगों ने, आप लोगों को चाहिए नॉन स्टिक फ्राई पैन, या इट्स फ्राई पैन राइट, आई डोंट नो वट इज इट, बट नॉन स्टिक थोड़ा सा जो ऐसा वाला होता है ठीक है, तो ये आप लोग ले लीजिए, मेरे ख्याल से तो इसको फ्राई पैन बोलते हैं ठीक है। सो यस, इससे आप लोगों को मार भी सकते हैं अगर कोई बकवास करे तो, फॉर ऑल माई हेटर्स, मजाक कर रही हूँ, आप लोग भी पप्पी ले लो यार, कोई बात नहीं। अच्छा है, इसके अंदर एक गिलास पानी डालना है, एक गिलास से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बता देती हूँ, सॉरी एक कप लेना है आप लोगों ने ठीक है, पानी एग्जैक्टली ओनली वन कप ठीक है, वन कप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग जब तक बॉयल नहीं आ जाता, मतलब पानी जब तक बॉयल नहीं हो जाता जब तक ऐसे छोड़ेंगे ठीक है। अब उस पर आग लगा देती हूँ चूल्हे पर, अभी हम वेट करेंगे कि इसमें उबाल आ जाए सही है। गर्म है और बहुत ज़्यादा, ये मसाले अलग करने ओके, दाल मत देना कहीं, डाल दो, be very careful, don't be a jerk like me, एक भी दाना मत छोड़ो यार तू, क्योंकि मेरे पास तो है ही एक पैकेट। ओके ठीक है, अब इसको बनने देंगे। ओके सो अभी ऐसा दिख रहा है ठीक है, अभी इसको बनने देना है हम लोगों ने, और मीन वाइल वी हैव टू मसालाज, मैं दिखा देती हूँ, सॉरी एक्चुअली नॉट टू इट्स फोर, इन दिस इट्स चिली और फिर यहाँ पे कोई एक और मसाला है इसके अंदर, फिर ये पता नहीं, ये ब्लैक मेरा फेवरेट है बचपन से, और देन ऑयल है। ये हमारे जो हैं स्टार ऑफ द शो हैं ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्राई करना ये जो आप ट्राई करो ना, आप ट्राई करो कि इंडोमी के साथ ही ट्राई करो जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, कोई और नूडल मत ट्राई करना। सो यस, अभी तो नहीं डालना है, इसे बाद में डालना है, अभी तो इसे बनने दो। ओके गाइस, सो इट्स बीन, व्हाई इज इट सो डार्क आउट ऑफ सडन, क्या हो गया यार, पता नहीं क्या हो गया। ओके गाइस, आई डोंट नो व्हाई इज इट सो डार्क आउट ऑल ऑफ द सडन, खैर तो
गाइस आपको क्या करना है अभी, जब आप लोग को ये यानी देखो ऐसे जैसे कि बोलो 70% आप लोगों को जब ये कुक लगे तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आंच जो है ना वो हल्की कर देनी है. आई कॉल इट आंच, अदरवाइज आई डोंट नो क्या बोल दो. सो उसके बाद ये वाला जो ऑयल वाला है ना उसको आप लोगों ने कट कर लेना है. ठीक है ना, ऑयल और ये वाला, और ये मिस मत करना. कोई भी मसाला जो है इसके अंदर जो मिलता है वो मिस मत करना, वरना फ्लेवर नहीं आएगा. उसके बाद इसको अब मिक्स करना स्टार्ट करो. एंड इन माइंड में रख लो कि हम लोगों ने आंच हल्की कर ली है तो यानी अभी अच्छे से बनेगा. अभी इसके अंदर आएगा फ्लेवर अच्छे से. खाना आ रही फ्रेश नहीं जाएगा यार. ओके थोड़ा सा आंच हम तेज कर लेंगे. तेज ऐसा होती है ना, अब आंच हम तेज कर लेंगे यानी ताकि पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए. और हाँ यानी इसको ना पानी पानी वाली नहीं बनानी, सूप सूप वाली नूडल्स नहीं बनानी है. ठीक है, पानी को अच्छे से आप लोगों ने लाइक एब्जॉर्ब होने देना है. अभी जब आप लोगों ने ये वाला, अभी जो आप लोगों ने वो चीज़ डाल दी है उसके बाद माइंड में रखना है कि पानी जो है इसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर बचे. ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर बचे. सही है, परफेक्ट. और अब जो दूसरा वाला मसाला है उसको खोल के डालो. लोग दुबई में रहते होंगे वो तो ये इजिली कर सकते हैं. लाइक ये तो दुबई में तो ये वाली नूडल जो है यही फेमस है. इसके अलावा तो अब आके वो रामेन वगैरह जो होती है वो फेमस हुई है, लेकिन ये वाली जो है ये बचपन से मेरे जो है फेमस है. अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ बैक कैमरे से कि अभी ये कैसी दिख रही है. और यानी अब जो है ना, यानी अब ये बनने के स्टेट पे आ गई. अब आप लोगों ने आंच जो है वो बिल्कुल हल्की कर देनी है. ओके अभी ऐसे दिख रही है. तो अब जब ये ऐसे दिखेगी आप लोगों ने क्या करना है कि एक चीज़ स्लाइस का डालना है. दो भी डाल सकते हैं लेकिन आई थिंक वन इज़ मोर देन इनफ. तो अब आप लोगों ने एक चीज़ स्लाइस का डालना है इसके अंदर ताकि ये बहुत टेस्टी लगे. मैं चीज़ लेकर आई थी चीज़ की जो मैंने अभी आप लोगों को कही. कैमरे की सेटिंग तो बस उफ अल्लाह ही हाफिज है मेरी तो व्लॉगिंग का है. चलिए जी इसको अब आप लोगों ने ऐसे खोल लेना है. नाउ दिस इज माय फेवरेट पार्ट, मुझे अच्छा लगता है. अबे यार जल्दी करो फेवरेट पार्ट. देख लेना अच्छे से प्लास्टिक निकल जाए वरना तो आप प्लास्टिक खा रहोगे. क्या हो रहा है यार. ओके सो ऐसे अब आप लोगों ने क्या करना है, पूरी जो नूडल्स है वो इसके ऊपर या इसको उसके ऊपर जो भी बस यानी ताकि ये पिघल जाए. ठीक है, इसको पूरा ऐसे ऐसे करना है. ओके अच्छे से मिक्स करो, मिक्स 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 अच्छे से अच्छे से. अब ना आग बंद कर दो, आग का है बंद हो जा भाई. ओके अब मिक्स 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 बहुत अच्छे से मिक्स करो. ठीक है, अच्छा ये मेरी फेवरेट रेसिपी है जो कि मैंने अभी रिसेंटली ही सीखी है. नॉट सो रिसेंट बट लाइक अब अच्छे से आप लोगों ने मिक्स करना है. ओके एंड यहाँ पे हो गई है आपकी नूडल्स तैयार. इसके अंदर आप लोगों को कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है ना, कुछ भी नहीं मतलब लिटरली कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है. सही है, हियर इट्स रेडी. अब मैं इसको सर्व करती हूँ. ओके सो गाइज हियर इट इज़ रेडी. बहुत मज़े की लग रही है ऐसा करके बताती हूँ यार. ओके ये देखो, और मैंने ऐसे करके इस वजह से पकड़ी हुई कि प्लेट बहुत गर्म है, मेरा हाथ ना जल जाए. और वो ऑलमोस्ट जली गया क्योंकि बहुत गर्म थी. ओके तो बहुत मजे की है यार. अब तो मैं खाने जा रही हूँ बस, दैट्स इट फॉर द व्लॉग. ऐसे ही मैं अपने स्टाइल की मैगी बनाती हूँ, आप लोग भी ट्राई करना, बहुत ईजी है. एंड आई गेस आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे ही खाते होंगे. बट ये वाली जो मैगी की ब्रांड है ना, इसकी मैगी ट्राई करना. ठीक है, लाइक इसके साथ तो मतलब वो जो टेस्ट है ना वो ही अलग होने वाला है. सो चलो मैं पिक्चर लेती हूँ इसके साथ और उसके बाद मैं खाऊंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइज. और बहुत सुन नया वाला ब्लॉग बनाऊंगी. ठीक है, अब लव यू ऑल. जो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो. ओके अल्लाह हाफिज़.